हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आशीष गेटमा यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करूँगा जो आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। कई सारे पेरेंट्स हैं और बच्चे भी हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि सर, एग्ज़ाम का डेट कब होगा, कब इसे कंडक्ट कराया जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगा, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं, क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा और किस तरह से ये ओवरऑल कोविड-19 का इम्पैक्ट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम का डेट क्या हो सकता है। देखिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, ये सारे अजम्पशंस ही हैं। अगर लॉकडाउन 3 मई को ओवर होता है तो इसके हिसाब से मिड ऑफ जून या 3rd वीक ऑफ जून पे टेंटेटिवली एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। बट मैं आपको इससे बेटर एक फैक्ट बताता हूँ, जिसके बेसिस पे आप खुद भी अपने घर पे बैठ करके एक टाइम फ्रेम आप एनालाइज करके चेक कर सकते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सटेंड होगा और मई लास्ट तक ही जाएगा। तो जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, उस समय से जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो होगा NTA के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जहाँ पे आप सभी जान ही रहे हैं कि 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स अभी भी कुछ पेपर्स ऐसे बचे हैं जिनका होना बाकी है, तो सबसे पहले उसे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आप मान के चलिए 10 से 15 दिन या 20 दिन का टाइम आपका एग्ज़ाम के बीच में उनका निकल जाएगा। इसके बाद में JEE का एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए 6 दिन का रिज़र्व टाइम रखा गया है, और इस 6 दिन के रिज़र्व टाइम के बाद में ही NEET के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। अब आप लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या कि क्यों ना इसे बीच में कराया जा सकता है। तो आप समझिए कि NEET का एग्ज़ाम कोई एक ऐसा स्मॉल प्रोसेस को फॉलो करने वाला नहीं है, काफ़ी सिस्टमेटिक वे में कराया जाता है, और ये 10th एंड 12th का एग्ज़ाम भी तो उस वक्त कराया जाएगा। तो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो इन्हीं स्कूल्स में कंडक्ट कराया जाएगा आपके NEET के एग्ज़ाम को। तो जब तक ये इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तब तक आपके NEET का एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा आपके लॉकडाउन के बाद में, जब आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं मानता हूँ कि मई लास्ट तक में आपका लॉकडाउन ओवर होता है, तो आप जून में मान के चलिए आप 10th एंड 12th के बच्चों का एग्ज़ाम होगा, फिर JEE का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में एक स्मॉल गैप के बाद में आपके NEET के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली July 1st और 2nd वीक हम सेफर साइड में मान करके अभी के सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, तो समझ सकते हैं कि July 1st एंड 2nd वीक। तो आप पहले तो इस स्ट्रेस में ना रहें कि सडनली कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। नहीं, आपके पास में किसी भी सिचुएशन में मिनिमम 1 महीने का एडवांस आपको एक टाइम फ्रेम बताया जाएगा, जहाँ पे आप प्रिपेयर हो सकते हैं और भी मेंटली। तो इस सिचुएशन को आप एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलिए, आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम मिला है। यूजुअली क्या होता था, 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स के बाद में, 12th के एग्ज़ाम के बाद में बच्चों के पास में इतना टाइम नहीं रहता था कि वो NEET के एग्जामिनेशंस के हिसाब से अपने आप को एक बार रिवाइज कर सकें या प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि सिलेबस तो है जो फॉलो वो करते आ रहे हैं, बट कुछ एग्ज़ाम्स के पैटर्न होते हैं जहाँ पे आप अपने स्पीड एंड एक्यूरेसी को भी आप एक बार टेस्ट करते हैं। तो आपके पास एक एनफ टाइम मिला है जो कि आप यूटिलाइज़ करके आप इन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपके वीकर सेक्शन हैं आप उसको इम्प्रूव करिए, जहाँ पे आप हाई स्कोर कर सकते हैं जिन सेक्शंस को, आप उसे बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करिए, रिवाइज करिए। उन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ना छोड़िए जहाँ पे आपको लगे क्या कि ये बिल्कुल आपको अच्छे से आता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भूल भी हो सकता है। तो इन सब प्लानिंग को लेकर के चलिए और आप यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इस वक्त में। आप घर पे हैं, ना तो आपको कहीं जाना है, ना ही आपको किसी तरह का कोई भी ऐसा मैनेजमेंट है जो कि आपको खुद से करना पड़ रहा होता है। आप घर पे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, कुछ बच्चे जो बाहर फंस गए हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी, तो उनके पास में भी ऐसा टाइम है कि जहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम एलोकेट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशंस पे। तो इसे ध्यान से आप पॉजिटिव वे में लेकर के चलिए। आइए अब ये जानते हैं कि क्या चेंजेस आ सकता है काउंसलिंग प्रोसेस में। देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस जो हमेशा से होता आ रहा है, MCC के द्वारा सबसे पहले इनिशिएट किया जाता है, जहाँ पे वो राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप तीनों राउंड को ऑनलाइन वे में कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो
अभी के हिसाब से भी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो आपके राउंड वन एंड राउंड टू तो एज इट इज़ ऑनलाइन ही कंडक्ट कराए जाएंगे। क्या चेंजेस आ सकता है? वो आ सकता है आपके मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड मोस्ट प्रोबेबली इसे ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा, तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा पोस्ट लॉकडाउन भी, तो इमिडिएटली किसी को भी इतने मास गैदरिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपके मॉपअप राउंड का भी एक क्लैरिटी है जहाँ तक लग रहा है कि ये आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरीके से आप अगर आपने देखा होगा तो नीट पीजी का एग्ज़ाम जो हुआ था, रिजल्ट अभी आया, उसके बाद में उसके काउंसलिंग जो डिलेड हो करके स्टार्ट हुई और अभी पहले राउंड का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि देखिए नीट पीजी के एग्ज़ाम के बाद में उनका एक काउंसलिंग भी कंडक्ट करा दिया गया है। वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, जहाँ पे उनको अपलोड करना पड़ा अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो आपके भी साथ में इन सब चीज़ों का जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होगा, सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपको ऑनलाइन तरीके से आप इसे करा सकेंगे, अपलोड कर सकते हैं। बाद में आप फिज़िकली जब कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई वहाँ पे करा लेंगे, तो ये एक रिलैक्सेशन आपको मोस्टली मिलने का चांसेस है। अब ये समझिए जो कॉलेज रिपोर्टिंग है इसमें आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। यूजुअली क्या होता था कि रिजल्ट के बाद में 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाता था जहाँ पे बच्चे रिपोर्ट करते थे। अभी आप मान करके चलिए ये 4 दिन का टाइम मिलने वाला है मोस्टली, जहाँ पे आप जाके रिपोर्ट करेंगे कॉलेज को। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए कि आपके पास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आएगा वो सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट होगा। अगर आप अपने स्टेट की बात कर रहे हैं तो आप ईज़िली कम्यूट कर पाएंगे। अगर इफ़ इनकेस आपको दूसरे स्टेट में कोई कॉलेज अलॉट हो रही है तो वहाँ पे आपके पास में सबसे बड़ा इशू आएगा कि आप जाएंगे कैसे। फ्लाइट है तो काफ़ी एक्सपेंसिव फेयर होगा, ट्रेन्स हैं तो उनकी टिकट्स मिलेंगी नहीं, तो ये तो आप हर साल बच्चों को ये फेस करना पड़ता था और इस साल भी ऐसा कोई डिफरेंसेस इस पर नहीं आएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके पास टाइम काफ़ी कम होगा। कट ऑफ किस तरीके से वेरी करेगा ये भी बताता हूँ कि कट ऑफ इस बार जो है आप मान कर चलिए जो बच्चे जैसे 2018 में जिन बच्चों का 600 का स्कोर था तो उसके उस स्कोर के ऊपर में अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1300 का रैंक आया था, ठीक है। 2019 में उसी 600 स्कोर पे लगभग 7200 से 300 का रैंक आया, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7 times का डिफरेंस आ गया सेम ही स्कोर पे। रीज़न क्या है? रीजंस बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो एग्ज़ाम्स का जो लेवल होता है वो भी वेरी कर जाता है। तो आप देख सकते हैं 2019 का जो जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था और जो लेवल ऑफ टफनेस था एग्ज़ाम का वो इतना ज़्यादा नहीं माना गया था कंपेरेटिव 2018 के, तो इस वजह से भी ऐसा हुआ था कि डिफरेंस हो गया था काफ़ी ज़्यादा रैंक में। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 500 से 600 के बीच में बहुत बच्चे स्कोर लेकर के आए थे, तो रैंक इस वजह से वेरी कर गया था। तो इस बार भी आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं, खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुल 1170 सीटें लगभग आई हैं एज ऑन डेट, जो MCI के जो वेबसाइट से हमने रिट्रीव किया इन्फॉर्मेशन को, और अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑल इंडिया कोटा में लगभग 220 या 22 सीटें हैं, और आगे अब कितने सीटें और ऐड होती हैं वो हम आपको बाद में अपडेट करेंगे, बट अभी के हिसाब से ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं और कोई ऐसे नए कॉलेजेस भी नहीं आए हैं गवर्नमेंट के जिनको अप्रूवल मिली है अभी। तो कट ऑफ आप मान के चलिए इस साल लगभग 16 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम भी मिला है इस बीच में, एक्स्ट्रा टाइम मिला है प्रिपेयर करने का। तो जो बच्चों वो बच्चे जिनका प्लस टू कंप्लीट होता था और इमिडिएटली वो एग्ज़ाम देने चले जाते थे कुछ गैप में, अब उनको एक एक्स्ट्रा विंडो मिल गया प्रिपेयर करने का, तो वो बच्चे भी काफ़ी अच्छे प्रिपेयर होकर के आएंगे। तो कट ऑफ आप मान के चलिए इस बार भी हाई ही रहेगा। आप मान करके चलिए अगर 600 का स्कोर अगर आप ले करके आते हैं तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7,500 से 8,000 का रैंक आपका आएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट हो तो आप सेफर साइड में
580 का स्कोर आप टारगेट करके चलिए। और अगर आप स्टेट डोमिसाइल का बेनिफिट लेकर के अपने स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट सीट्स का अलॉटमेंट लेना चाहते हैं तो 560 का एक अप्रॉक्सीमेट स्कोर आप टारगेट करके चलिए। देखिए प्रॉब्लम उनको होगी जिन बच्चों का रैंक थोड़ा कम रहता है, अच्छे रैंक नहीं होते हैं, और उनके पास में प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट सीट उनको नहीं मिल पाती है, वो प्राइवेट सीट्स के ऊपर में ही डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि हम जान रहे हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, हरियाणा की बात करिए, राजस्थान है, बिहार है, इन सब जगह में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, जो कि काफ़ी अनअफोर्डेबल हो जाता है बच्चों के लिए। तो जो एक 500 to 540 के ब्रैकेट में जो स्कोर्स लेकर के आ रहे हैं, इन बच्चों के लिए कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे उनको कम फीस स्ट्रक्चर में, रिजनेबली कम फीस स्ट्रक्चर में कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। अब चूंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा कि वो अपने स्टेट से वो जाएंगे कैसे, बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सिचुएशन इस हिसाब से फंस जाती है तो हम बहुत बुरे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे बच्चे बाहर फंसे रहते हैं और पेरेंट्स अपने घर में, और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार अपने स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो कॉम्पिटिशन का लेवल अपने स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में बढ़ जाएगा। जैसे कि बच्चे पहले कोशिश करते थे क्या कि हाँ ठीक है, अदर स्टेट के कॉलेजेस को भी टारगेट करके चलते थे कि कहीं पे भी उनको कोई सीट मिल जाए तो वो कंफर्टेबली चले जाते थे, इस बार वो कंफर्ट लेवल नहीं रहेगा। बट आप कहीं ना कहीं ये मानिए कि ये सिचुएशन टेम्प्रोरी है, ये सिचुएशन ऐसा नहीं कि ये परमानेंट हो गया है। तो आप अगर पेशेंटली अगर चीज़ों को एनालाइज करके सोचेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट है अभी भी, और ये आगे भी रहेगा। आप अपने स्टेट के अलावा बाकी स्टेट के कॉलेजेस को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि कट ऑफ वहाँ पे इस बार लो जाने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो कि प्रेफर नहीं करेंगे। तो लोअर रैंक वालों बच्चों के लिए, जो मिड सेगमेंट में हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि आप कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स के कॉलेजेस को आप फोकस करके चलिए। दिल्ली में कोई प्राइवेट कॉलेज है नहीं तो ऑप्शंस रहते नहीं हैं, डिम्ड की फीस भी काफ़ी हाई है। अब जिन बच्चों का बिल्कुल ही कम स्कोर आ रहा है, जहाँ पे 250 या 300 या 350 का स्कोर, तो उनके पास बेहतर होगा कि वो यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट में कॉलेजेस में अब वो अटेम्प्ट लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है कि उनकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आपका कट ऑफ, ये इम्पैक्ट रहेगा। हमारा ये एक एडवाइस है आप लोगों से, जो कि आप लोग प्लीज़ फॉलो करिएगा, कि आप अपनी एडवांस प्लानिंग अभी से करके चलिए। सपोज अगर मई में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जा रहा होता तो इस वक्त आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होते, तो जो भी टेस्ट सीरीज आप ने फॉलो किया है, जो भी आपका मार्क्स आ रहा था, उस मार्क्स के हिसाब से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका कॉलेज प्रिडिक्टर है, हमारा भी कॉलेज प्रिडिक्टर है, हमने भी काफ़ी अच्छा टूल बनाया है जहाँ पे आप अपने स्कोर्स के बेसिस पे अपने कॉलेजेस को आप चेक कर सकते हैं कौन से कॉलेज आपको मिलने वाली है, आप अपने बजट के हिसाब से, लोकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से। तो इन सब टूल का आप यूटिलाइज करिए इन सब टूल को, क्योंकि आपके एडवांस प्लानिंग में सबसे बड़ा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास एक तो रिजल्ट के बाद में टाइम काफ़ी कम रहेगा, और साथ ही साथ आपके पास में सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ, कौन से स्टेट में आप अप्लाई करें, कहाँ नहीं अप्लाई करें, इसके लिए आपके पास सोचने का काफ़ी कम वक्त होगा। तो आप अभी से अपनी प्लानिंग हिसाब से करके चलिए कि आपको किस तरह के कॉलेजेस में जाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कोर्स अभी 400, 450 या 500 के रेंज में आ रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को बिल्कुल टारगेट मत करिए, क्योंकि इस समय आप इतना ज़्यादा जंप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत काफ़ी कम रहा है। तो आप अभी से ये सोच लीजिए कि अगर आपके स्कोर 500 to 520 या 30 के आसपास आ रहे हैं, तो आपके पास में पॉसिबिलिटी है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज को एक अटेम्प्ट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी टफ होगा अलॉटमेंट ले पाना। बट आप अपने कॉलेजेस को प्लान कर सकते हैं, किस स्टेट की काउंसलिंग को आप टारगेट करके चलना चाहते हैं। आप अभी से सोच लीजिए कि दो तीन ऑप्शंस आप बना करके चलिए, जहाँ पे आप अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के चलिए, कि अगर ये स्टेट आपको नहीं मिला तो आप दूसरे स्टेट में जाएं। आप इन बातों का भी ध्यान रखिए,
कि कई बार काउंसलिंग प्रोसेसेस में, खास करके मॉपअप राउंड में, डेट्स क्लैश हो जाते हैं, तो आप अननेसेसरी अपने फंड को भी ब्लॉक ना करिए, आप मूव नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने प्रायोरिटी को अभी से डिसाइड करके चलिए कि आपको करना क्या है ना। तो अपनी आपकी बजट जो भी है वो आपको अभी से पता है, आपको आपकी लोकेशन प्रेफरेंस आपको अब बिल्कुल पता रहेगा। तो आपके पास में अभी एक जो डाउटफुल सिचुएशन है वो ये है कि आपको ये जाना कि आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ये नीट के एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद के लिए वेट मत करिए, आप अभी से बहुत सारे टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे काउंसलर्स हैं, अच्छे काउंसलर्स हैं, उनके टच में रहिए जो आपको गाइड करेंगे। तो आपकी प्लानिंग इस वे में होनी चाहिए। तो आपके पास में ये जो टाइम मिला है इसको आप यूटिलाइज करिए, और भी जो भी आपके मन में डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं आप हमें कनेक्ट करिए। और जो भी हम अभी आपके साथ में, हमारा एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिंक भी शेयर करेंगे जहाँ पे आप अपने क्वेरीज को आप दीजिए, हम आपको वहाँ पे गेट बैक करेंगे। और कट ऑफ से रिलेटेड आपके पास में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमें कॉल करिए, हम आपको कट ऑफ के बारे में, ईच एंड एवरी कॉलेज, हर स्टेट का हमारे पास में डेटा है, और जिसको कि हमने बहुत ही रियलिस्टिक वे में, हमने फैक्चुअल रख करके रखा है, जहाँ पे हम अपने टूल को यूज़ करते हैं, और आपको हम उस हिसाब से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। होपफुली आपके जो भी डाउट्स होंगे हमने क्लियर किए हैं यहाँ पे, और आशा करता हूँ कि आप अपने प्लानिंग को प्रॉपरली करेंगे, और जो भी हो आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए। धन्यवाद।